भारत को ही लेकर एक और डेवलपमेंट भी है, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत के जो किसान हैं उन्होंने दोबारा दिल्ली चलो दिल्ली चलो तहरीक शुरू कर दी। अब भारत बंद की बात ही हो रही है क्योंकि किसान बहुत परेशान है, और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत किसानों के लिए मुश्किल हैं, खुदकुशियों के भी खुदकुशी बहुत लोग कर रहे हैं किसान खास तौर पर। तो उनकी कुछ बुनियादी डिमांड्स हैं कि एक तो ये बुनियादी रेट तय किया जाए, जो भी गंदम या अनाज खरीदता है भारत हुकूमत सब्सिडाइज्ड, तो सब्सिडी उनको ठीक ठाक दी जाए, बेसिक रेट। लेकिन हुआ यह है कि अब इंडिया बाकायदा तौर पे इसराइल को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। इसराइल को जो मात पड़ी है ना, वो ईरान के कामाकाजी ड्रोन से पड़ी है। कामाकाजी ड्रोन जो ईरान का है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। हिजबुल्ला ने भी वही ड्रोन इस्तेमाल किया और इसकी इसराइल की फेंटी लगाई है। अब हो ये रहा है कि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया के पास वो एक अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो अब खबर ये आई है कि इस वक्त जो रफा बॉर्डर पर हमला किया गया है, उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक दफा किंग से पूछा था कि यहां पे जगह दी जाए और फौरन उनको जगह देकर अकोमोडेट किया गया मंदिर के लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, मैंने कुछ उसकी तस्वीरें देखी है। तो ये एक कंपेन है इलेक्शन की, सिर्फ एक ही इस वक्त इशू जो है वो मोदी साहब की जो चल रहा है, किसान मोर्चा दोबारा शुरू कर दिया है, जिसपे इस वक्त यहाँ पे तो मजाक ही हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। 12 डिमांड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर डिमांड्स ना पूरी होने वाली है। नमस्कार, भारती पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो जो हमारे यहाँ जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो उसको लेके अपने देश में प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू करती है। अब आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि उनके देश में जो सिख हैं उनको लेके उनको खालिस्तानी बना के, और जो किसान मूवमेंट है उसको एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट दिखा के, और उसके ऊपर डिबेट करेंगे और अपने देश के अंदर जो है वो माहौल बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और ये बोलेंगे कि जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको भारत से अलग होना है, या उनका डिमांड है भारत से अलग होने का, और जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत से अलग होने का। दोस्तों, एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कहना शुरू कर दिया है कि जो इंडिया है इसराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, और इंडिया ने अपना ड्रोन जो है वो इसराइल को दिया है, और इसराइल उसका यूज जो राफा बॉर्डर है इजिप्ट के पास, जिसको मिस्र के पास, तो वहाँ पर वो यूज करना शुरू कर दिया है। तो अब ये कहना वो लोग शुरू करें कि जो इसराइल में जो मारे जा रहे हैं लोग, उसमें जो भारत है वो भी इन्वॉल्व है इसराइल के साइड से। फिर दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारे जो मोदी जी हैं वो यूएई गए हुए हैं, और उन भव्य स्वागत हुआ है कल। एक जो इंडियन डायस्पोरा है वो लोग एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें उन्होंने स्पीच दिया था, और बहुत भव्य था वो सेरेमनी। तो उसको लेके भी जो पाकिस्तानी मीडिया वो डिस्कस कर रहा है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, धन्यवाद। हमारे यहाँ जब इंतखाबात होते हैं तो मजीद उलझने पैदा हो जाती हैं, मतलब इस्तेकाम पैदा हो जाता है, और अभी भी यही हो रहा है, और हम अपनी माजी की जो गलतियाँ उनसे सीखते भी नहीं हैं। और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में कोई अच्छा मुकाम मिल जाए, या हम तरक्की की राह पे गामजन हो जाएं। इस तरह काम नहीं होते। अगर वाकई हमने कुछ अचीव करना है तो फिर हमें अपने घर को पहले ठीक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत को लेकर एक और डेवलपमेंट भी है, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत के जो किसान हैं उन्होंने दोबारा दिल्ली चलो तहरीक शुरू कर दी। अब भारत बंद की बात ही हो रही है क्योंकि किसान बहुत परेशान है, और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत किसानों के लिए मुश्किल हैं, खुदकुशियों के भी खुदकुशी बहुत लोग कर रहे हैं किसान खास तौर पर। तो उनकी कुछ बुनियादी डिमांड्स हैं कि एक तो ये बुनियादी रेट तय किया जाए, जो भी गंदम या अनाज खरीदता है भारत हुकूमत सब्सिडाइज्ड, तो सब्सिडी उनको ठीक ठाक दी जाए, बेसिक रेट मुकर्रर होना चाहिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र के किसान हैं उनको एक लिहाज 10,000 रुपया माहवार पेंशन भी मिलनी चाहिए। तो उनकी कुछ डिमांड्स हैं, इन्होंने पहले भी 2021-22 में किया था, दिल्ली चलो तहरीक शुरू की थी, उसमें बहुत से किसान हलाक भी हो गए थे। तो ये दिल्ली चलो 2 है। तो अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि ये सारे हरियाणा और पंजाब से जो सिख कम्युनिटी है बुनियादी तौर पे ये उनका होता है प्रोटेस्ट। तो अभी जगह जगह पिकेट्स भी लग गई हैं, और कोशिश तो की जाएगी कि इनको दिल्ली आने से रोका जाए, दिल्ली लेकिन होगा नहीं, बाहर भी रुक जाएंगे, लेकिन बाहर ये एहतजाज एक सीरियस एहतजाज है, और किसानों के जो हालात हैं वो भी हम जानते हैं भारत में। इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया, इसराइल ने रफा बॉर्डर पर हमला कर दिया, और ये बहुत बड़ी खबर है। इसराइल ने रफा बॉर्डर पर जो हमला किया है इसमें भारत के मुलव्वस होने के बहुत ज्यादा इम्कान है। याद रहे दोस्तों, यमन अभी भी अपने ब्लॉकेट पे कायम है, यमन ने अभी भी इसराइल को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। अब इसके पास कोई और जरिया नहीं था। खबर यह आ रही है कि इसराइल की मदद फिलहाल इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है, दो तरह से कर रहा है। एक तो वो कि लोग नौकरियों की तलाश में इस वक्त पागलों की तरह इसराइल जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। हुआ यह है कि वो फलस्तीनी जो इसराइल में मुलाजमत किया करते थे, छोटी मोटी मुलाजमतें, लेबर का काम किया करते थे, उनको जंग के बाद इसराइल ने निकाल दिया। अब वहां पर नौकरियां हैं बहुत ज्यादा, इंडियंस जो है वो भर भर के, जहाज भर भर के इसराइल पहुंच रहे हैं नौकरी के लिए। याद रहे कि ये जो इसराइली है ना,
ये इंडियंस को इतना कोई अच्छा नहीं समझते। ये मैं पहले एक बहुत पहले वीडियो कर चुका हूं जिसमें बाकायदा तौर पे जब इंडियंस ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फलस्तीन इसराइलियों के साथ उनको सपोर्ट किया, तो जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि तुम लोग तो बहुत ही, तुम लोग कहां से आ गए, तुम लोग तो अछूत हो, तुम लोगों से तो बात नहीं कर सकते, तुम लोगों को गंदा कहा, ट्रोलिंग की, न जाने क्या कुछ कहा, गाय का पेशाब पीने वाला कहा, इस तरह की बातें इसराइलियों ने की, ये इस तरह से उनकी बाकायदा तौहीन की गई। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियंस इसराइल को अपना भाई समझते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे रीजन है जिसका आपको पता है। खैर नाज़रीन, हुआ यह है कि अब इंडिया बाकायदा तौर पर इसराइल को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। इसराइल को जो मात पड़ी है ना, वो ईरान के कामाकाजी ड्रोन से पड़ी है। कामाकाजी ड्रोन जो ईरान का है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। हिजबुल्लाह ने भी वही ड्रोन इस्तेमाल किया और इसकी इसराइल की फेंटी लगाई है। अब हो ये रहा है कि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया के पास वो एक अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो अब खबर ये आई है कि इस वक्त जो रफा बॉर्डर पर हमला किया गया है उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, इनफैक्ट जो गजा में हो रहे हैं ड्रोन इस्तेमाल, वो मेड इन इंडिया किलर ड्रोन हैं। वो इनका बाकायदा नाम ही किलर ड्रोन है जो कि मेड इन इंडिया है, और जिससे जो पूरे का पूरा जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नस्ल कुशी हो रही है, वो माशाल्लाह से इंडियन ड्रोन से की जा रही है, जिस पे इंडियन आवाम ने कभी भी अपनी हुकूमत से कोई सवाल नहीं पूछना। एक दोस्तों, अब हुआ ये है कि इसके साथ साथ जो है द सेल ऑफ मोर देन 20 हर्मस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs delivered to Adani Elbit Advanced Systems India Limited to Israel was the first reported on February 2 by Neelam Matthews for the defense related website Shepherd Media. Yani inhone February 2 February se baqaida taur pe Israel ko sale ka kaam, Israel ko hathiyar pahunchane ka kaam India ne shuru kar rakha hai. Ab dusri aham baat jo Rafah border ke hawale se hai dosto, hua ye hai ki Rafah ka jo ilaka hai, Golan Heights ka jo ilaka hai, ye wo ilaka hai jo isse pehle Misr ne 1967 ki jang ke baad ek muahide ke tahat wapas liya tha. इस पे इसराइल पहले कब्जा कर चुका था, मिस्र ने ये इलाका वापस ले लिया था, अब दोबारा मिस्र ने इस पे हमला कर दिया है। ये एक वाहिद बॉर्डर है जहां से फलस्तीनी मिस्र में दाखिल होते, रफा का बॉर्डर, ये एक वाहिद बॉर्डर है जहां से फलस्तीनियों को मिस्र के जरिए एड पहुंचती है, और इस पर हमला करने का मकसद यही है कि जो एक आखिरी सांस लेने का एक छोटा सा जरिया था फलस्तीनियों का, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए। दोस्त साहब, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अबू धाबी में है और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा से खिताब किया, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वजीर आजम है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डायस्पोरा से खिताब करे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। जरा इस पर भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी। हाउ डू यू सी दिस? ये एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या कि आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है? तो देखिए, डायस्पोरा से खिताब तो करते हैं, मेरे मुर्शिद ने भी किया था वाशिंगटन डीसी में आके, जिसके बारे में कई एतराजात थे, लेकिन खिताब ही होता था, डायस्पोरा को प्रमोट नहीं किया जाता था। मोदी साहब का डिफरेंस यह है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। मोदी साहब के हाथ में है, पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की, ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेंजवेला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, सातवां दौरा है मोदी साहब का, अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये अगर इसको इनडायरेक्टली आप कहें कि मोदी साहब की कंपेन का हिस्सा ही है, ये बिल्कुल कंपेन का हिस्सा। उसके बाद वहां पर जो मंदिर 27 एकड़ के अंदर बनेगा वो भी कंपेन का हिस्सा है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है, कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक दफा किंग से पूछा था कि यहाँ पे जगह दी जाए और फौरन उनको जगह देके अकोमोडेट किया गया मंदिर के लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, मैंने कुछ उसकी तस्वीरें देखी है। तो ये एक कंपेन है इलेक्शन की, सिर्फ एक ही इस वक्त इशू जो है वो मोदी साहब की जो चल रहा है, किसान मोर्चा दोबारा शुरू कर दिया है, जिसपे इस वक्त यहाँ पे तो मजाक ही हो रहे हैं,
गलत कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। 12 उनकी 12 डिमांड्स हैं जिनमें से ज्यादातर डिमांड्स ना पूरी होने वाली है, ज्यादती है। पिछली दफा जो मोर्चा इनका किसान मोर्चा कामयाब हुआ था, शायद उसकी वजह से ये इन्होंने शायद कारोबारी बना लिया, या फिर जब भी बोर होते हैं मोर्चा लगा लेते हैं, अच्छी बात तो नहीं है इलेक्शन के पास पास। लेकिन वहां पे जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर आप केयर टेकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, वहां पे भी एक प्रिंसिपल है जो कल से इफेक्ट हो जाएगा कि जब कल से वो लॉ इन्फेक्ट हो जाएगा कि कल के बाद गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको दे विल होल्ड इट अगेंस्ट कैन यू आर ट्राइंग टू ब्राइब पीपल। तो उसके बाद कल से, कल के बाद तो कोई भी मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है किसान मोर्चे के रेफरेंस से कुछ भी नहीं कर पाएगी कल के बाद। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई का दौरे पे हैं और वो 7वीं दौरा है, और जो जो रिलेशनशिप है हमारे और यूएई के बीच में वो कितना अच्छा चल रहा है, और जो पर्सनल रिलेशनशिप है एमबीजेड और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में वो कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। और उन्होंने खुद ही तारीफ किया, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो पिंपल की जो जमीन है उन्होंने उसके लिए जब प्रेसिडेंट को बोला, जो एमबीजेड है उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि मैप में कहीं भी हाथ रख दीजिए एरिया पे, वो एरिया हम आपको दे देंगे। तो ये दिखाता है कि जो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और जो एमबीजेड हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो कितना अच्छा है, और ये जो ये आने वाले टाइम में ये और ज्यादा गाढ़ा होगा और ज्यादा इंप्रूव होगा, और हमारा रिलेशन जो है यूएई के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसका फायदा ये होगा कि एक और उन्होंने समझौता किया कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो एक हमारा वो था ट्रेड रूट की बात चल रही थी जिसमें इंडिया सऊदी अरब यूएई सऊदी अरब और इसराइल तक, इसराइल से फिर यूरोप में जाने वाला था, उसके ऊपर भी हम एक डील साइन हुआ है। और जब इसराइल और फिलिस्तीन का जब वॉर शुरू हुआ था तो जो पाकिस्तानी थे ये बात कह के खुश हो रहे थे कि जो ये लाइन है जो हमारा ट्रेड रूट बन रहा है वो बर्बाद हो जाएगा, और इसको लेके वो लोग काफ़ी सेलिब्रेट किए थे। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि ये डील पे भी साइन हो रहा है और आने वाले कुछ टाइम में जो इसराइल में जो वॉर चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इसका फायदा ये होगा कि इंडिया जो मुंबई से जो शिप निकलेगी वो यूएई जाएगी, सऊदी अरब जाएगी, और वहां से वो ट्रेन के रूट से इसराइल जाएगा, और इसराइल से फिर वो जो हाइफा पोर्ट है आपको पता हो अडानी ने एक्वायर किया है, तो उस पोर्ट से फिर यूरोप की तरफ जो हमारे गुड्स है वो निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम में देखिएगा कि ये हमें जो अरबियन पेनिनसुला है उससे अच्छी तरीके से जोड़ देगी और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जो हमारा टेम्पल है हिंदू टेम्पल का जो उद्घाटन किया है हमारे मोदी जी, तो इसका एक और फायदा होगा यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप में कि जो कल्चरल जो इंटेंगलमेंट है, जो कल्चरल जुड़ाव है हम दोनों के बीच में वो भी बहुत बढ़ेगा, और जो हिंदू कल्चर है वो यूएई के अंदर फैलेगा, यूएई के लोग भी आएंगे उस मंदिर में और देखेंगे समझेंगे हमारे कल्चर के बारे में। तो एक और चीज़ है ये कि इससे भी जो जुड़ाव है वो और बढ़ेगा। दोस्तों एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी है वो बोल रहा है कि जो जो इंडियन ड्रोन है, मेक इन इंडिया का ड्रोन है जिसको अडानी ने बनाया है, तो वो ड्रोन इसराइल में यूज हो रहा है और फरवरी से वो उन्होंने सप्लाई देना शुरू किया है इसराइल को, और इसराइल उसका यूज़ कर रहा है पाकिस्तान फिलिस्तीन के खिलाफ और जो बॉर्डर एरिया है, तो ये इसके बारे में भी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बातें करना शुरू कर दिए। तो इसके बारे में अभी और न्यूज़ आनी बाकी है, जैसे ही इसके बारे में और पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।